मेरे सभी भाइयों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमेजिंग काइट गैलरी में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाली है आज आपको इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बहुत लाजवाब कलेक्शन दिखाने वाले हैं, वो कलेक्शन जो शायद ही कभी देखने को मिलता है। हिंदुस्तान के जो टॉप काइट मेकर्स हैं उनकी पतंगे आज आप देखेंगे, उनका कलेक्शन देखेंगे, और साथ ही एक दिल्ली की बहुत मशहूर टीम से आपको मिलाएंगे। एक क्लब हमारे कानपुर आया है, दिल्ली का क्लब है, उस क्लब का नाम है हम तुम काइट क्लब। हम तुम काइट क्लब में ताज भाई भी आए हुए हैं कानपुर, ताज कुरैशी के नाम से वो जाने जाते हैं। बहुत नायाब कलेक्शन है उनका, उनके पास जो कलेक्शन है शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा कारीगर हो जिसकी पतंगे उनके पास ना हो, और वो सारा कलेक्शन आज आप देखने वाले हैं। फिलहाल जो आज वीडियो अपलोड होना था वो वीडियो होना था विकास काइट क्लब वर्सेस गोल्ड काइट क्लब, मतलब हाजी शेखू वर्सेस उस्ताद का गेम जो दिखाना था हमें, वो अपलोडिंग पे लगा हुआ है, वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वक्त ले रहा है, और मेरे ख्याल से उसको शायद आपको सोमवार को देखने को मिलेगा वो वीडियो। तो दोस्तों, वो वीडियो सोमवार को आप इन्जॉय करिएगा, तब तक कि ये वीडियो इन्जॉय करिए। इसमें हम आपको दिल्ली के मेंबरों से मिलवाएंगे, दिल्ली का एक बहुत अच्छा क्लब है उसके मेंबरों से मिलवाने वाले हैं, और आपको बहुत नायाब बहुत आला कलेक्शन दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बस वीडियो इन्जॉय करिए और वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम होटल के अंदर इंटर कर चुके हैं, और चलिए आपको ताज भाई के कमरे में लेके चलते हैं जहाँ पे ताज भाई की टीम रुकी हुई है। ये कानपुर का होटल है, होटल ग्रैंड पैलेस कानपुर, कमरा नंबर 104। इसमें दिल्ली की हमारी मेहमान टीम रुकी हुई है। तो दोस्तों, फाइनली इस रूम में हम इंटर हो चुके हैं कि ये हमारी टीम है जो दिल्ली से आई हुई है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं ताज भाई से। अस्सलाम वालेकुम ताज भाई, कैसे जनाब? ये ताज भाई थे जो पूरी भाग दौड़ इनके ही हाथ में है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये ताज भाई का चेहरा देखिए, माशाल्लाह कितना नूर इनके चेहरे पर है, और देखिए नमाज का ढट्टा भी इनके माथे पे बरकरार है, और काफ़ी नूरानी माशाल्लाह चेहरा, दाढ़ी सफ़ेद है। पर इनकी इस सफ़ेद दाढ़ी पे बिल्कुल मत जाइएगा जिस समय ये मैदान में उतरते हैं, यकीन मानिए 16 से 17 साल के जो लड़के होते हैं उनको ये खींच के 2 सेकंड में अलग कर देते हैं। ये पप्पी भाई हमारे, ये भी दिल्ली के मेंबर हैं, और दिल्ली का क्लब आया है कानपुर में हम तुम काइट क्लब, और इनके बगल में ये बैठे हैं पप्पू भाई, ये शहनशाही के कप्तान हैं, और इनसे ही आज गेम है दिल्ली का। तो ये शहनशाही कप्तान है हमारे पप्पू भाई, ये हमारे शाहिद भाई हैं शाहिद अली, पीछे फरीद भाई बैठे हुए हैं, ये पप्पू भाई थे। ये हमारे कानपुर का एक फाइटर काइट क्लब है, उसके ये मेंबर हैं सुलेमान भाई, और ये जो पीछे आमिर भाई बैठे हुए हैं ये भी फाइटर काइट क्लब के ही मेंबर हैं। ताज भाई की तरफ एक बार फिर से लेके चलते हैं। तो ताज भाई, कुछ बताइए अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में। आप तो काफ़ी माशाल्लाह कानपुर आते हैं, और कई बार हमसे भी मुलाकात आपकी कानपुर में हो चुकी, कानपुर आना आपको कुछ ज़्यादा पसंद है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ इतने प्यारे मोहब्बत वाले लोग रहते हैं, और गेम भी बड़े सहयोग से लड़ता है हमारा, और आज तक जितने मैं 12-13 साल से आ रहा हूँ तो मेरा ना किसी से कोई झिकझिक, ना कोई किसी से लफड़ा। सहयोग की बात तो वो देखने को यहाँ पे मिल रही है कि कानपुर के जितने भी सपोर्टर, जितने भी वोटर्स हैं वो सारे आपके बगल में देखिए तशरीफ रखे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें तो खैर सामने हैं। और बताइए आपको आज कई दिन हो गए कानपुर में? आज हमारा 3रा दिन है, 2 दिन हमारा गेम लड़ चुका है, और इतना प्यार मोहब्बत से लड़ा है कि कुछ पूछो नहीं, और आज हमारा ये 3रा लास्ट डे है, आज हम यहाँ से चले जाएंगे इंशाल्लाह। गेम हमारा जो लड़ेगा आज वो शहनशाही काइट क्लब से लड़ेगा पप्पू भाई से। एक सवाल और जी, मेरे ख्याल से शायद जहाँ तक हमको याद आ रहा है शहनशाही काइट क्लब शायद आपका भी है? जी हाँ, शहनशाही क्लब जो है मेरा दिल्ली से है, वो जी हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है, और ये क्लब हमारा जब पहली दफ़ा पप्पू भाई से लड़ा था शहनशाही, तो हाँ और आपसे भी लड़ा, बिल्कुल लड़ा,
और बड़ा अच्छा गेम कराया था आपने माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी कराया था। इसीलिए हमको याद है कि वो शहनशाही का काइट क्लब एक बार लौ चुका है। जी हाँ, शाही का नाम आपने लिया तो हमको याद है कि शहनशाही काइट क्लब आपका भी है। जी जी हाँ, अपना भी है, और वही पप्पू भाई ने हमारा शहनशाही काइट क्लब का नाम लेके अपना भी करा। इन्होंने ये टाइटल जो है कॉपी किया है। जी जी, ये है पप्पू भाई हमारे। जी हाँ, ये पप्पू भाई ने नकल नकल लगा दी है। जी जी बिल्कुल। तो ताज भाई कुछ बताइए, दो दिन आपका गेम कैसा रहा? गेम बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छे से गेम लड़ा, और दो दिन जो है, पहले दिन आपका किससे गेम था? पहले दिन जो था हमारा हंटर काइट क्लब से गेम था। हंटर काइट क्लब से, हंटर काइट क्लब कानपुर। जी। दूसरे दिन जो था हमारा गेम था वो मनीष भाई से था। अच्छा, मनीष मारवाल भाई से, फ्रेंड्स काइट क्लब से। ये थे ताज भाई और ये है छम्मा भाई। ये छम्मा भाई हमारे, ये हंतुम काइट क्लब के कप्तान है छम्मा भाई। एक मेंबर हमारे हम तुम काइट क्लब के ये भी हैं, शब्बू भाई हैं हमारे ये, और ये हैं आमिर भाई और ये हैं नदीम भाई, ये हैं रेहान भाई, नदीम भाई, आमिर भाई, शब्बू भाई, और ये आखिरी में ताज भाई, और पीछे शम्मा भाई। तो ये कुछ मेंबर हैं हमारे हम तुम काइट क्लब के। चलिए अब आपको कुछ ताज भाई का कलेक्शन दिखाते हैं। इनका कलेक्शन बहुत ही नायाब कलेक्शन होता है, और मैदान में कभी उतना टाइम नहीं मिलता है, और ये भी काफ़ी मसरूफ़ हो जाते हैं मैदान में, क्योंकि भाग दौड़ काफ़ी जिम्मेदारी रहती है इनको, इनके ऊपर, इनके क्लब की। तो ताज भाई कुछ कलेक्शन दिखा सकते हैं अपना, क्योंकि आपकी जो टेपिंग है वो बहुत मशहूर है, तो पहली बार लोगों को देखने को मिलेगी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपके वो टेपिंग वाली काइट्स। बहुत ही नायाब काइट्स होती, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी मशक्कत से वो पतंगे आप तैयार करते हैं। अगर दो चार पतंगे कुछ देखने को मिल जाती तो जी जी दिखाइए, और भैया भाई की पतंगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए कुछ पतंगे हैं, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये ताज भाई अपने हाथों से इसको तैयार करते हैं। ये देखिए सारी टेपिंग है, ये देखिए आप, सोचिए कितना वक्त लगता होगा इन पतंगों को तैयार करने में। ये देखिए इस साइड से देखेंगे तो ये प्लेन पतंग है, ये देखिए ताज भाई चाक से अपना नाम लिखते हैं, ताज कुरैशी। ये ताज क्यों लिखा है, मतलब ताज कुरैशी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये देखिए आप, कोई भी पतंग दिखाइए ताज भाई, एक एक पतंग है आप, ये देखिए ये फ्लावर बने हुए हैं, देखिए ये क्या है बीच में, बीच में मार्के से करा है। अच्छा, ये स्केच पेन से शायद आपने, जी जी डिजाइन डाला है। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन है, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो ये इस तरफ से रेड दिख रही है, शेड बना हुआ है जिसमें बीच बीच में देखिए कुछ डिजाइन ताज भाई ने डाला है। इसको हाथ से ही तैयार किया इन्होंने, ये बिल्कुल रेड प्लेन पतंग था, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं था, इसको ताज भाई ने प्रॉपर इसको तैयार किया। देखिए टेपिंग देखिए पहले आप, ताज भाई दिखाइए इसको थोड़ा सा दूर से, देखिए इसकी टेपिंग देखिए पहले आप लोग, कितनी खूबसूरत टेपिंग है इसमें, और टेप लगाने का तरीका देखिए पहले ताज भाई का। ये देखिए ताज भाई, इसमें जो ये टेपिंग लगाते हैं इसमें कौन सा टेप आप किस वजह से लगाते हैं थोड़ा सा बताइए। कुछ नए खिलाड़ी जो होते हैं, नए काइट लवर्स जो होते हैं, उनको इन सब चीज़ों को देख के कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो आप बताइए इस टेप का क्या मायने हैं, इस टेप के क्या मायने हैं? ये टेप यहाँ पे लगाया जाता है कि अगर कहीं से डोर टकरा भी गई हमारी तो यहाँ से एक तो कनकौवा फटेगा नहीं। जी। दूसरा यहाँ से कनकौवा मुँह से बाद टाइम बाहर निकालते हैं, कनकौवा डोर से टकरा जाता है तो फटने में आसानी से फटता नहीं है यहाँ से। और यहाँ ये पिट्ठे के ऊपर जो हमने टेपिंग करी है, इससे एक तो खूबसूरती आ जाती है, उसका पीछे का जोड़ जो है ये बन जाता है इस तरीके से, और तो खींचने के अंदर जो है पतंग यहाँ से हटेगी नहीं कभी ज़िंदगी में, इसलिए हम इसकी पक्की पैकिंग कर देते हैं। ये बिल्कुल पैक कर दिया, यानी कि आपने पतंग को। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको ताज भाई ने बताया, ये टेप लगाने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर कभी डोर टकराए तो ये पतंग यहाँ से कभी फटेगी नहीं। बाकी ये टेपिंग का मतलब और मकसद आप सबको पता है। देखिए मुड्ढे पे भी किस हिसाब से टेप लगा हुआ है, टेप के ऊपर भी डबल टेप लगा हुआ है। तो ये देखिए ये टेपिंग है, ये प्लेन पतंग को इन्होंने क्या बना दिया है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इनकी टेपिंग पसंद आई हो।
और ये देखिए ये ताज भाई का स्टिकर है, देखिए उसके बाद देखिए टेपिंग दिखाइए सर। इसमें भी सेम टेपिंग है, डिज़ाइंस अलग अलग बनाए हैं इन्होंने टेप के द्वारा, ये देखिए मतलब टेप के ऊपर भी टेपिंग है। देखिए पहले इन्होंने एक टेपिंग नीचे करी है, उसके बाद ऊपर ये बर्फी नुमा कटिंग करके उसके बाद ये फिर टेप से सजाया है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये सारा पहले गोल्डन टेप लगाया, गोल्डन के ऊपर ब्लू, गोल्डन के ऊपर ग्रीन, फिर गोल्डन के ऊपर रेड, ये देखिए बहुत ही शानदार कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। अगर कलेक्शन ही दिखाएंगे तो मान लीजिए आप 2 घंटे का वीडियो तो सिर्फ कलेक्शन का ही ताज भाई का बन जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 5-7 बैग हैं इनके पास और कितने बैग इधर रखे हैं। पीछे देखिए आप ये सारी पतंगे रखी हैं ताज भाई, देखिए एक बैग यहाँ पर ये रखा है, काफ़ी सारी पतंगे होंगी इसमें भी, देखिए कितना ऊंचा कितना बड़ा बैग है ये देखिए, और ये देखिए कितनी पतंगे रखी हैं यहाँ पर, ये सारी ताज भाई की पतंगे हैं। एक बैग यहाँ पर है और कुछ बैग यहाँ पर हैं, और भी बैग कहीं ना कहीं होंगे ज़रूर। जी तो ये एक पतंग देखिए ये निकली है इनके बैग में, ये अजगर का पतंग तौक है, बहुत ही खूबसूरत तौक है, और ये देखिए अजगर फोटो, देखिए कितना शानदार फरमा है ये पतंग, बहुत ही नायाब पतंग है। और भी पतंग है अजगर भाई की, ये सारी पतंग अजगर अजगर भाई की सारी हैं, डिज़ाइन दिखा दिया अलग अलग। ये देखिए अजगर भाई की पतंगे हैं, सब शानदार पतंगे हैं। पतंग ये वाहिद का पतंग है, देखिए आप मेरठ का, वाहिद मेरठ, ये मसरूर का पतंग है रामपुर, ये देखिए मसरूर भाई रामपुर, चिराग चिराग बहुत ही नायाब कलेक्शन आप सबको देखने को मिल रहा है। अच्छे अच्छे कारीगरों की पतंगे, जो इंडिया के टॉप काइट मेकर्स हैं उनकी पतंगे, ये हमारे भैया धुरमुट भाई की है। वाह, मतलब इंडिया के टॉप काइट मेकरों का नाम आते ही भैया धुरमुट की पतंग सामने। ये कानपुर के बहुत बढ़िया कारीगर हैं और बड़ी बेस्ट पतंगे इनकी है। इनकी पतंग में खासियत है कि एक तो भाग दौड़ बहुत अच्छी करती है और रखने के बाद इतना बढ़िया काम करती है कि आदमी जो खींचने वाला होगा सामने वाले को डोर नहीं मिलेगी इनकी पतंग की। और बहुत अच्छी पतंग बनाते हैं, साफ सुथरी पतंग, देखेगा ऐसा लग रही है जैसे कोई मेरठ की पतंग हमने अपने हाथ में ले रखी हो, बिल्कुल बिल्कुल डिप तो ऐसा लगेगा जैसे हमने मेरठ की पतंग हाथ में ले रखी हो। लेकिन ये पतंग किस कारीगर की है, भैया धुरमुट कानपुर, जो नामी गिरामी पतंगबाज भी हैं, लड़ाने में माहिर भी हैं और बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं कानपुर के, और देश परदेश भी खूब लड़ाते हैं, और देश परदेश के जो मेहमान आते हैं उनकी भी इज्जत वहाँ खूब ही जानते हैं किस तरीके से करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब कोई एक अच्छा काइट फाइटर एक पतंग बनाता है तो सारी पतंग सारी बातों को वो ध्यान में रख के ही ताज भाई पतंग बनाता है। जी जी, तो जिस कारीगर की बात हो रही है भैया धुरमुट की, देखिए ये भैया भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भाई ये है हमारे भैया धुरमुट, बहुत ही अच्छी पतंग बनाते हैं। एक आध बार मैंने शायद आपको काइट फाइटिंग भी दिखाई होगी, ज़रूर देखी होगी आप लोगों ने इनकी काइट फाइटिंग, लखनऊ के खिलाफ इन्होंने पतंग लड़ाई थी, लखनऊ के अगेंस्ट पतंग लड़ाई थी, बहुत अच्छे पेच काटे थे। तो ये भैया भाई की पतंग है, बहुत ही अच्छी पतंग बनाते हैं भैया भाई। भैया भाई का ये लंबा फरमा है, क्योंकि सारी पतंगे एक से एक नायाब निकल रही हैं आपके बैग में और बहुत मज़ा आ रही है। ये शादाब कुरैशी का पतंग है, मेरठ मेरठ शादाब कुरैशी मेरठ, ये हमारे बरेली के आदिल भाई हैं। ये मसरूर भाई हमारे, ये मसरूर भाई का पतंग है तौके वाला, सब नायाब शानदार पतंग है। कलेक्शन के बारे में ताज भाई का कोई जोड़ नहीं है, और बहुत ही नायाब कलेक्शन रखते हैं, बहुत शौकीन खिलाड़ी हैं हमारे ताज भाई। अगर इनके सारे बैग दिखाने बैठ जाएंगे तो फिर मतलब छुट्टी, फिर तो गेम दिखा ही नहीं सकते,
ये देखिए अली नवाब का पतंग आ गया सामने आपके, शानदार पतंग अली नवाब का। ये उस्ताद अली नवाब का पतंग है। ये देखिए अली नवाब, और ये देखिए ये देखिए गांठदार पतंग है ये। यहाँ पर दोनों तरफ देखिए गांठ एक यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, और एक गांठ देखिए ये नजर आ रही है। ये गांठदार पतंग है अली नवाब का। सलीम भाई पतंग दिखाई जरा दूर से, देखिए आप, ये उस्ताद अली नवाब का पतंग है गांठदार। सलीम भाई बता रहे हैं यहाँ पर कि ये पतंग बहुत बेजोड़ पतंग है, काफी नसीब वाले होते हैं उनको ये पतंग नसीब होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये देखिए दीप कुमार का पतंग है, ये दीप कुमार का पतंग है, दीप कुमार पतंग साज लखनऊ। ये देखिए गोल फरमा दीप कुमार का। इस फर्मे के बारे में कुछ बताने की, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बीके मेरठ, ये देखिए बीके मेरठ, शाम हो जाएगी इतना कलेक्शन है भाई। सलीम भाई कह रहे शाम हो जाएगी कलेक्शन इतना है। ये देखिए वाहिद का पतंग है, पतंग दिखाइए भैया भाई वहां से, बहुत खूबसूरत पतंग है। ये पतंग वाहिद का है। चलिए दोस्तों, ये बाइक ताज भाई का थोड़ा सा बंद करवाते हैं, क्योंकि कलेक्शन काफी ज्यादा है, इतना कलेक्शन नहीं दिखा सकते हम लोग, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर इनका कलेक्शन पूरा दिखाने बैठेंगे तो। बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। ये तो दिल्ली का क्लब कानपुर आया हुआ है हम तुम काइट क्लब, इस काइट क्लब की काइट फाइटिंग भी हुई थी, काइट फाइटिंग का वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे। आज हमने आपको इनका कलेक्शन दिखाया, इसमें हिंदुस्तान के काफी मशहूर काइट मेकरों की पतंगे आपको देखने को मिली। दोस्तों आप बताइए आपका फेवरेट काइट मेकर कौन सा है, और आपको किस काइट मेकर की पतंग सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ दोस्तों एक सवाल और, ये बताइएगा, जरूर बताइए कमेंट्स में, आपको ताज भाई की टेपिंग वाली पतंगे कैसी लगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ताज भाई जो ये पतंगों में टेपिंग करते हैं, पतंगों को सजाते हैं, ये काफ़ी मेहनत से सजाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है एक एक पतंग में, उनको कभी कभी एक एक दिन भी लग जाता है। इस तरह की बहुत सारी पतंगे सजाते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस वो सजाते हैं बनाते हैं। कभी मौका मिला तो हम आपको उनका पूरा कलेक्शन दिखाएंगे, उनकी जितनी भी टेपिंग की डिज़ाइनें हैं वो दिखाएंगे। इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। बस दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं से एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो बस दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय गाइज़।